बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ आप लोगों को दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, इसी तरीके से मेरा साथ देते रहा करें आप। और व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइट बिरयानी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो आप ये किचन घर पे ट्राई करेंगे, आपके घर वाले भी पसंद करेंगे। तो व्यूअर्स अब शुरू करते हैं। ये मैं बीफ में बनाऊंगी। ये मैंने बीफ ली है, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये हड्डी वाला है गोश्त, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने गोश्त ले लिया, और उसके साथ ही मैंने ये एक छोटा प्याज लिया, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून, मैंने सौंफ ली है, और ये मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और ये काली मिर्चें हैं थोड़ी सी 10-12, और ये 2 मैंने छोटी इलायची ली है, कुल बादियान लिया है, और ये थोड़ी सी दालचीनी और लौंग ली है। ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये ना ग्रीन चिल्ली, मोटा मोटा सा इसको मैंने कूट लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालना है। अब ये भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। ये बकराई का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से ये बकराई के लिए ये गोश्त का आइटम बनाएं, आप भी खाएं, घर वालों के साथ भी खाएं। अभी बस अब इसको हम कवर करके इसको हम गलने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम बाद के प्रोसेस शुरू करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ये मैं डालना भूल गई थी, ये भी डाल दूँ। अब इसको हम कवर करते हैं। व्यूअर्स जब ये गोश्त आधा गल जाए, तो ये फ्राइड प्याज है, आधी प्याज है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स ये जायफल चबत रही है, इसको हम पीस लेंगे। पीस कर दिए हम इसको, जो चावल वो चढ़ाया है मैंने सारे उसके अंदर। बस इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ डाला था, और ये ज़ीरा ये भी 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालते हैं ये इलायची, छोटी इलायची को डाल देंगे, पहले भी मैंने डाला हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा से डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ी सी ये काली मिर्चें 4 अदद मैंने डाली, और ये जो जायफल जावित्री पीसा था ये इसके अंदर डाल देंगे, और ये थोड़ी सी प्याज है फ्राई हुई ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और बस इसके अंदर हम चावल में चढ़ा दिया था पकने के लिए। अभी चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये 1/2 कप के बराबर इसके अंदर हम दही डालेंगे, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और
अब इसके अंदर हाफ टी स्पून इसमें गर्म मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। इसके अंदर हम कुटी मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे जिसमें हमने चावलों की तह लगा दी, उस वाले सब चीज़ें डाल देंगे। ये देखिए इसको अब इसके ऊपर हम बॉयल चावल डालेंगे। अब इसके ऊपर ये सारे बॉयल चावल डालेंगे। ये देखिए बस अभी चावल इसके अंदर हमने डाल दिए। अभी थोड़ी सी फ्राई प्याज भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हमने अब तेल डालना है क्योंकि गोश्त में हमने तेल नहीं डाला था, क्योंकि चिकनाई वाली वाला गोश्त था तो इस वजह से मैंने और कमी रखना है। ये देखिए इस तरीके से ये पूरे में हमने और डाल देंगे। बस अब इसको हम दम दे देंगे, ढक्कन कवर कर देंगे। तेज़ आंच पे 5 मिनट रखना है आपने। जब इस पर धुआँ आ जाए, स्टीम उठने लगे, तो उसके बाद फिर हम आंच स्लो कर देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए दम देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब इसमें दम लग चुकी है। अब इसको हम निकालते हैं प्लेट पे। ये देखिए कितने प्यारे शक्ल आई है। इसको हम प्लेट पे निकालते हैं। कितनी प्यारी शक्ल आई है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की बिरयानी है। दाना बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिश बहुत पसंद आई होगी। घर पे आप भी ट्राई कीजिएगा, घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आप याद रखिएगा अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।